Hello guys, I hope you are having a good day today. Today we will learn capsicum and lemon with watercolor. So let's stop talking and start drawing. आपने जो नेचर ड्रॉ करने के लिए सामने रखा हुआ है, पहले तो आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है. ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप ड्रॉइंग स्टार्ट कर सकते हैं. ड्राइंग आप जब करोगे, साइज रिलेशन को याद रखना है, एक डिटेल्स को ड्रॉ करना है. यहाँ पे मैंने कैप्सिकम और लेमन लिया है, तो दोनों का टेक्सचर जो है वो अलग अलग है, इसका भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा. और आप देख रहे हैं कि हाईलाइट, मीडियम टोन, डार्क टोन और रिफ्लेक्शन लाइट, ये सब यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं. तो आपको जैसे दिख रहा है वैसे उसका कलरिंग करना है. कैप्सिकम है वो काफी ग्लॉसी दिख रहा है यहाँ पे. रिफ्लेक्शन लाइट है तो आप उसको ड्राई ब्रश से कलर को सब करके रिफ्लेक्शन लाइट वगैरह का इफेक्ट दे सकते हैं. धीरे धीरे लाइट टू डार्क आपको काम करते जाना है. नेचर ऑब्जेक्ट ड्राइंग करने के लिए आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, तो ऑब्जर्वेशन करते करते हुए आपको वाटर कलर करना है. फर्स्ट वाले कैप्सिकम में बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, ऑरेंज है, ब्राउन है, येलो, ग्रीन, सैप ग्रीन, तो जिस तरह से कलर दिख रहे हैं वैसे ही आपको करना है. Thank you.
कैप्सिकम है वो काफ़ी ग्लॉसी दिख रहा है यहाँ पे, तो वाटर कलर में करकरी वाइट हाईलाइट के लिए छोड़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इस तरह से कर सकते हैं, जहाँ पे लाइट मीडियम और हाई लाइट दिख रहा है या रिफ्लेक्शन लाइट दिख रहा है वहाँ पे आप पेंसिल से ड्रॉ करके ले सकते हैं, और फिर आपको वहाँ पे लाइट मीडियम डार्क एक्स्ट्रा डार्क और रिफ्लेक्शन लाइट का कलर एज इट इज़ बना के अगर आपने फील किया आपका काम हो सकता है।